जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है दिन सैटरडे का, टाइम हो रहा है शाम 5 बजे का। और ये जो मैं देखिए कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट। और ये ना पहले की क्लिप है जो कि मैंने आज जोड़ी हुई है, क्योंकि मुझे आपको पूरा अपना किचन गार्डन दिखाना है कि मैंने कब से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और कहाँ तक मेरी मेहनत सफल रही और कितने मेरे पेड़ लग गए। तो चलिए मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट से लौट के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ देखो बहुत सारे बीज के, भिंडी के, हाँ काले के, ये धनिया के बीज, ये हैं पालक के बीज, अरे उनमें उगा लेना, ये हैं तोरई के बीज, ये हैं रमास की फली के बीज, मम्मी सुनो तो, ये हैं बता काई के, लौकी, लौकी के, मतलब इतने सारे बीज में लेके आई, बीज लेके आई हूँ। अब मैं उगाऊंगी सब्जी, अब मेरे घर में सब्जी सब्जी होगी, देखिएगा आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ देखिए मेरा छोटा सा किचन गार्डन तैयार भी हो गया। जो मैंने बीज आप लोगों को दिखाए ना, ये मैं 3 हफ्ते पहले लेके आई थी और मैंने डाले हुए थे, तो सारे पेड़ मेरे निकल आए हैं। कुछ मैं पौध भी खरीद के लेके आई थी बाद में, जैसे टमाटर वगैरह की है, वो मैंने बैंगन के और टमाटर के पौधे लगाए हुए थे। और ये सारे मैंने बीज डाले हैं, जैसे धनिया है, पालक है और भिंडी है, ये सारी चीज़ के मैंने बीज डाले हुए थे, तो सब पौधे मेरे निकल आए हैं। भिंडी है, एक टमाटर है, टमाटर भी लग गए हैं, देखो ये लगे हैं, देखो ये लगे लगे, हाँ ये टमाटर लगा तो है, टमाटर उसमें भी लग गए, टमाटर पेड़ तित्ते से है और टमाटर लग गए, देखो पुआले में टमाटर लगा है, देखो पैर से नहीं कुचलना, पैर से नहीं, देखो यहाँ दो लगे, और यहाँ ये पूरी धनिया उगी है, ये पूरी धनिया किचन गार्डन तैयार होने वाला है। गर्मियों में मस्त सब्जी लगेगी, सब्जी खाएंगे, ये सब पूरी यहाँ ही भिंडी है, खिला रहे थे हमसे तो आई नहीं, गुन्नू गौरी, ये गौरी गोली, गोलू की गौरी, गोली आ गौरी, आ जाओ मेरी गौरी, अरे अरे गुस्सा है, उड़ो कर आइए, मेरे घर में लगे हम गैया, मम्मी गैया देख रही है, गैया देख रही है, श्यामो देख रही है हमारी गौरी के संग क्या कर रही है, चलो। और आप मेरी 3 हफ्ते पहले की पूरी मेहनत देख सकते हैं, यहाँ मेरे यानी कि टमाटर के पेड़ों में ना देखिए टमाटर भी लगने लगे छोटे छोटे, यानी अब गर्मियों में भरपूर सब्जी लगेगी। यहाँ छोटे छोटे धनिया निकल आई है, देखिए धनिया ना लेट ही निकलती है काफ़ी टाइम, वरना धनिया तो काफ़ी बड़ी हो जाती, लेकिन धनिया ना छोटी छोटी निकलती आ रही है। ये सारी भिंडी है जो कॉर्नर में है, सारी भिंडी के बीज डाले हुए थे मैंने, ये सारी भिंडी है, तो इनमें देखिएगा किसी टाइम में पर्याप्त भिंडी लगेंगी। और यहाँ ये बैंगन है, मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जी मैंने सब डाली हुई थी, और साइड साइड में मैंने ना लौकी है और क्या बोलते हैं उसको, तोरई है, ये सारे बीज मंडी है, लौकी वगैरह लगी हुई है, तो ये बेल ऊपर चढ़ जाएगी। और अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं छोटा सा, वहाँ भी मुझे किचन गार्डन बनाना है, तो वहाँ देखिए मैंने कौन कौन से बीज डाले हुए हैं। मैंने परसों इसमें बीज डाले हुए हैं, काफ़ी गुड़ाई हुई इसमें पानी से, पहले पूरा पानी से इसको अच्छे से तलाई की, फिर इसकी गुड़ाई हुई, इसमें बीज डाले, और यहाँ हम और बीज डालने वाले हैं, तो यहाँ और गुड़ाई करने वाले हैं, मतलब जितनी गुड़ाई करते जा रहे हैं, जितनी क्यारी बनाते जा रहे हैं, उतने बीज हम डालते जा रहे हैं। ये वहाँ तक डल चुका है, लेकिन इसके आगे अब और गुड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ बीज डालेंगे हम। तो यहाँ देखिए गोलू मेरे हाथ से फावड़ा जबरदस्ती ले लिए, और इन्होंने ऐसे चलाया कि इसने मेरी खोपड़ी फोड़ दी होती, यानी इसका फावड़ा आगे से लेके पीछे हो गया, तो मैं बच गई, तैयार हो गया,
और ये वाला किचन गार्डन अब तैयार हो रहा है। इसमें सब सब्जी लगाई हुई है, भिंडी है, तोरई है, लौकी है, कद्दू है, खरबूजा है, खीरा है, और बेटा और कौन सी चीज थी, धनिया है, पालक है। अब इस साइड और खोद के कद्दू लौकी नहीं लगे हैं अभी। कद्दू लौकी कहाँ लगाए, कहाँ वो पैकेट है ना। देखिए ये है तोरई के, ये है लौकी के बीज, ये अभी नहीं डाले ना, बाकी ये मैंने अभी नहीं डाले हैं। और ये है धनिया, पालक, धनिया है, खरबूजा, खरबूजा डाल दो, करेला भी नहीं डाला है, यानी कि आधे से ज्यादा बीज डल गए हैं, बस ये थोड़े बचे हैं, ये शाम को डाल देंगे अच्छे से पानी लगा के गुड़ाई करके। और ये पूरी भर के बीज थे ना, बाकी बीज सब डल गए, बस इतने बीज रह गए हैं, बस यही बीज बचे हैं, बाकी सारे बीज डल गए हैं। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा गर्मियों में किचन गार्डन तैयार होगा मेरा, जिसमें कि खाने के लिए पर्याप्त सब्जी मुझे मिलेगी, निकलेगी। आ जाइए देखो मम्मी चिड़िया करने, रात को पेड़ पर नहीं, कभी पेड़ पर नहीं बैठी है, देखो। तो यहाँ देखिए सारे बीज डल चुके हैं, और जो बीज रह गए हैं वो आगे हम लोग गुड़ाई करके वहाँ डालेंगे, जितने मैंने आप लोगों को दिखाए इतने बचे हुए हैं, जैसे करेला है, लौकी है, तुरई है, इन सारी चीज़ों के जो बीज बचे हैं वो इस तरफ हम डालेंगे। पहले क्या है, दो तीन दिन अच्छे से पानी की तलाई करनी होती है, इसके बाद में गुड़ाई कर रहे हैं, तो यानी कि मिट्टी भी अच्छे से गुड़ाई हो जाती है, वरना मिट्टी खोदने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं पानी से अच्छे से सींच रही हूँ, और इनकी व्यवस्था भी करनी है देखिए, ताकि एकदम बंधेज रहे, है ना, कोई ऐसा जानवर वगैरह ना घुस जाए। तो यहाँ देखिए इससे बंद कर देंगे ताकि सेफ रहेगा, कोई घुस भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैंने छोटा सा किचन गार्डन तैयार किया है, और जानते हैं छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होगी, और बहुत अच्छी मेरी सब्जियाँ लगेंगी, गर्मियों में घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी। तो बस इनकी सेवा मैं कर रही हूँ, देखते हैं कितने दिन में इनमें सब्जी लगना स्टार्ट होगी। और मैं बीज भी बहुत अच्छी, मतलब बीज भंडार की दुकान से ही लेके आई थी, और जो स्पेशली गर्मी वाले बीज अलग आते हैं, बरसात वाले अलग और ठंड वाले अलग, तो वही मैं लेके आई हूँ, और उन्होंने जैसे जैसा बताया है कि ऐसे करना है वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी सब्जी बहुत जल्दी लगेंगी, बस हाँ किसी काम में मेहनत तो ज़रूर होती है, तो बस तब तक हमारी मेहनत जारी है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, कपड़े मेरे जो सारे सूख गए थे, कोई मैं कपड़े उठा के लाई हूँ, तो मैं इनकी तह करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रेस तो करने वाली हूँ नहीं, बस इनको तह करके रख देती हूँ, प्रेस देखूँगी, खाना वगैरह से फ्री होंगी ना तब करूँगी, वरना फिर कल करूँगी, बस यहाँ मैं कपड़ों की कर रही हूँ तह। और हाँ फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन गार्डन कैसा लगा, अभी तो केवल शुरुआत है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी मैं आपको बराबर दिखाती जाऊँगी कि मेरे कितने पेड़ उगाए, क्या क्या लगा है मेरे यहाँ सब्जी में, है ना, तो ज़रूर बताइएगा, और कुछ सलाह वो भी बताइएगा। और यहाँ लगा दी है मट्ठा करने के लिए मशीन, ताकि जल्दी से हो जाए, तो ये लगा दी है, और अभी इन्वर्टर चल रहा है, लाइट आ जाएगी ना तब इसको चालू कर देंगे, इन्वर्टर से मैंने कहा हो गया क्यों करें, तब तक लगी रहती है, रखी रहेगी, और जैसे ही लाइट आ जाएगी चालू कर देंगे। और इन्होंने इतनी अच्छी बना दी है कि अब दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल बैठना भी नहीं पड़ता, दूसरे काम कर लो मट्ठा होता रहेगा, बैठने का झंझट खत्म, और ना बैठे रहिए, और मैं पकड़ के बैठती ही तो थी, लेकिन अब पकड़ने का झंझट नहीं है, आराम से होता रहेगा मेरा मट्ठा। तब तक मैं क्या करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ और काम देख लेती हूँ, और बेडशीट वगैरह धुली थी तो वो सूख गई है, बिछानी है, इनकी ना साफ़ी हर जगह पड़ी रहती है, जैसे हम लोग स्टॉल पड़े रहते हैं, इनकी साफ़ी पड़ी रहती है, ये नहीं कि एक जगह टांग दे, कहीं बेड में कहीं 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 पड़ी रहती हैं, यहाँ मैं इनको टांग देती हूँ, दरवाजे के पीछे है, काफ़ी जगह हैंगर लगवा दिए टांगने के लिए। ये गोलू ऊपर हो, ठीक है आ रही हूँ।
और फ्रेंड्स अब मेरी हो गई शाम वाली चाय का टाइम, तो यहाँ हमारी बन रही है चाय। आ जाइए सब लोग चाय पीने। और आज आप लोगों ने देखा ना, ये मेरी आज से मेहनत नहीं, 3-4 हफ्तों से चल रही है, तब जाके मैं इतना कर पाई हूँ। तो यही है ना कि कोई शुरुआत छोटे सिरे से ही होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सो फ्रेंड्स मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। भाई न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो।